अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटे का बटन दबाकर डाक विभाग के वीडियो सबसे पहले पाएं। दोस्तों नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो में सेविंग खाते के बारे में कुछ जानकारियां दी थी, आज भी सेविंग खाते के बारे में कुछ बची हुई जानकारियां दूंगा। दोस्तों भविष्य के लिए कुछ बचत करनी बहुत ज़रूरी होती है। पशु पक्षी भी अपनी भविष्य के लिए बचत करते हैं, हम तो इंसान हैं। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल बने। तो अब मैं आता हूँ अपने इस विषय पर कि SB के खाते के बारे में जो बची हुई जानकारी है वो मैं देता हूँ। नंबर एक, ये खाता 500 रुपये से नगद रकम से ही खोला जा सकता है। नंबर दो, एक पोस्ट ऑफिस में केवल एक ही SB का खाता खुलवाया जा सकता है। नंबर तीन, इस खाते में अब कम से कम 500 रुपये की रकम हमेशा शेष रखनी पड़ेगी। नंबर चार, इस खाते में नॉमिनेशन की सुविधा आपको मिलेगी, जिसे खाता खुलवाते समय भी ले सकते हैं और बाद में भी नॉमिनेशन कराया जा सकता है। नंबर पाँच, 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस खाते को स्वयं लेन देन कर सकता है। इस खाते में अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा, नंबर छः, इस खाते में अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है, जिसे आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करा सकते हो, अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है तो। नंबर सात, खाता अगर पहले सिंगल अकाउंट है तो उसे ज्वाइंट करा सकते हो, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उसे आप सिंगल करा सकते हो अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है तो। नंबर आठ, इस खाते में 1000 रुपये रखने पर आपको चेकबुक की सुविधा भी मिलती है। नंबर नौ, इस खाते में आपको ATM की सुविधा भी मिल सकती है। नंबर दस, इस खाते में अन्य बैंकों की अपेक्षा ब्याज दर ज़्यादा है, जो 4% वार्षिक आपको मिलेगी। नंबर ग्यारह, सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज की रकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नंबर 12, इस खाते में लेन देन एक महीने में कितनी बार भी कर सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। सेविंग बैंक खाते के बारे में शेष बची जानकारियां, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा इस तरह आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।